छत्तीसगढ़ के किसानों को सिंचाई सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य में सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। प्राधिकरण राज्य में वास्तविक सिंचाई क्षमता के विस्तार के साथ ही नई सिंचाई योजनाओं के निर्माण की कार्य योजना बनाएगा ताकि प्रदेश के किसानों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम को ही सिंचाई विकास प्राधिकरण में परिवर्तित किया जाएगा। राज्य में वर्तमान में वास्तविक सिंचाई क्षमता 10.38 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का 18% है। और अधिक जानकारी के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरह की योजना शुरू की जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण योजना ये मानी जाए? देखिए, कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण लिहाज से ये है क्योंकि इरिगेशन को लेकर भूपेश सरकार की एक महत्वाकांक्षा नजर आती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जैसे जांजगीर चांपा हुआ, रायगढ़ के कुछ इलाके, वे जो बहुफसली इलाके रहे हैं, लेकिन औद्योगिकरण के की वजह से इन इलाकों में जो सिंचित रकबा होता था वो लगातार घटता चला गया। ये एक बड़ी चिंता का विषय सरकार के लिए बना हुआ था। सरकार में कांग्रेस के आने के बाद से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को कहते नजर आते रहे हैं कि एजुकेशन सरकार की प्राथमिकता में है, लिहाजा अब जब सरकार ने इस पर एक परिषद गठन करने का निर्णय लिया है तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं की दिशा में सरकार आगे बढ़ती नजर आती है। धान के अलावा अगर हम देखें तो दूसरी फसलों का यहाँ पर रकबा बढ़ेगा क्या, जिस तरह से नई योजनाएं यहाँ पर शुरू की जा रही हैं? आशीष, देखिए, धान का रकबा निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, और जिस तरीके से धान के रकबे को के बढ़ने के बाद से जिस तरीके से पैदावार आ रही है, ये सरकार के लिए एक चिंता की भी बात है। चिंता की बात इतिहास है क्योंकि रकबा बढ़ने से उत्पादन किसानों ने बढ़ाया है, और जो किसान बिरादरी है वो किसान बिरादरी धान की फसल के अलावा जो दूसरी फसलें, जो दलहन तिलहन की फसलें हैं, उन फसलों पर अब जाने के बाद लौट कर आने की स्थिति बन गई है, क्योंकि 25% समर्थन मूल्य पर सरकार ने खरीदी का वादा किया हुआ है। तो ऐसे में दूसरी फसलों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता में निश्चित तौर पर होना चाहिए, और ये एक चिंता का भी सबब है। और आज से नहीं, पिछली रमन सरकार थी तब भी दलहन और तिलहन की फसलों को प्रमोट करने के लिए लगातार सरकार की कोशिश नजर आती थी, और अब जब छत्तीसगढ़ में दोबारा वो किसान जो दलहन तिलहन की फसलें देने लगे थे और धान की तरफ वापस लौट रहे हैं, ये एक सरकार के लिए बड़ा टास्क होगा कि ना केवल वो किसान धान की फसल लें बल्कि रबी के मौसम में दूसरी फसलों के लिए भी वो प्रेरित हो सके। सरकार अपना लाइन ऑफ एक्शन तय आने वाले दिनों में जरूर करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष, जानकारी को साझा करने के लिए।